Harshmeet Kaur. I am studying in class 7C. Today I am going to do a painting with this colors. So let's start it. So I have this watercolors, some brushes and a plate for mixing the colors and tissue paper and water. And this is my sheet and my drawing. तो मैंने इसके ऊपर यहाँ टेप्स लगा ली है बाउंड्री पर कि बाद में मैं उनको रिमूव कर दूंगी. तो अभी हम ड्राइंग पेंटिंग स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे एक लैंडस्केप बनाया है माउंटेन का. ये हमारा माउंटेन है और ये एक हाउस है और उधर आगे का रास्ता है. तो सबसे पहले मैं यहाँ कलर फिल करूंगी, जिसमें मैं सबसे पहले ब्लू और ब्लैक कलर को मिक्स करूंगी. तो जो भी हमने कलर बनाया था ब्लैक और ब्लू को मिक्स करके, वो हम कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अभी हम ब्लू यूज करेंगे, डार्क ब्लू इस पे. इसके नीचे से हम इसको करना स्टार्ट करेंगे. अब हमने डार्क ब्लू कलर भी कर लिया है. अब हम डार्क ब्लू में व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे. हमें बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क रखना है, उसको ज़्यादा व्हाइट नहीं बनाना है. तो अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. पैचेस जरा रह जाए ब्रश के वाटर से. तो ये देखिए अभी हमारा बैकग्राउंड पूरा हो गया. अब हम माउंटेन पे कलर करेंगे. माउंटेन में जैसे हमने बैकग्राउंड में करा है बिल्कुल उसका अपोजिट हमें करना है. हमने बैकग्राउंड में ऊपर डार्क से शुरू करा है तो हम लाइट तक नीचे लेकर आए हैं, पर हम माउंटेन में डार्क नीचे से डार्क से शुरू करेंगे और ऊपर तक लाइट लेकर जाएंगे. अभी हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया था ब्लैक एंड डार्क ब्लू का, वो हम अप्लाई करेंगे. फिर उसके बाद हम डार्क ब्लू और वाइट को लेंगे, फिर अप्लाई करेंगे वो. हमें माउंटेन को वाइट ही रखना है ज़्यादा, उसको डार्क नहीं रखना. और फिर अब हम व्हाइट कलर का यूज करेंगे जो कि पूरे माउंटेन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा. व्हाइट कलर का यूज कर अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम डार्क ब्लू और व्हाइट को मिक्स करेंगे और उसमें हम थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उसको थोड़ा पतला कर लेंगे बहुत, और फिर उससे उसके ऊपर माउंटेन के ऊपर पैचेस बनाएंगे. और व्हाइट कलर भी यूज़ करेंगे उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. और थोड़ा डार्क कलर भी यूज़ करेंगे जिससे जो उसके पैचेस रहेंगे माउंटेन्स के, और माउंटेन रियल और अच्छा लगेगा. और व्हाइट कलर से हम उसकी थोड़ी सी बाउंड्री भी मेक बना सकते हैं, जिससे कि वो रियल और ज़्यादा अच्छा लगे, बैकग्राउंड से अलग और हटकर दिखे. अब हमारा पूरा माउंटेन कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे ये जो लैंड है उस पर हम इसमें येलो और ग्रीन कलर को मिक्स कर करेंगे. पहले येलो करेंगे, फिर उसके बाद जो स्काई ग्रीन होता है हम उसको अप्लाई करेंगे. उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे. इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए कि और अच्छा लगे, मैंने यूज़ करा है डार्क ग्रीन और थोड़ा सा वाइट, कि ज़्यादा डार्क ना रह जाए.
और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स भी कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है ग्रीन कलर की हेल्प से। अब ऐसा ही बिल्कुल सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड भी कर देंगे। हम येलो कलर और ग्रीन कलर और डार्क ग्रीन कलर को लेकर अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और पूरा ये वाला लैंड भी हमारा बन जाएगा। देखिए ये भी हमारा पूरा लैंड बन गया। अब हम ये जो बीच का रास्ता है उसमें हम येलो और ब्राउन कलर को मिक्स करेंगे, जिससे वो थोड़ा मिट्टी जैसा रास्ता लगे कि मिट्टी है उधर। हम ब्राउन और येलो को मिक्स करके ये कलर अप्लाई कर देंगे। और अब मैं डार्क ग्रीन कलर लेकर नीचे ग्रासेस बनाऊंगी और अच्छा लगे ये इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। और वही सेम कलर जो मैंने यूज़ करा था रास्ते में ब्राउन और येलो कलर को मिक्स करके, उसी को मैं अप्लाई करूँगी जो हमारे हमने हट बनाई है, घर बनाया है उसकी छत में, और नीचे थोड़ा सा ब्लू और वाइट कलर को मिक्स कर दूँगी। तो ये हमारा अब हाउस भी हो गया, पूरी पेंटिंग हो गई। अब मैं वाइट कलर लेकर इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी जैसे ये स्टार लगे, और एक मैंने थोड़ा सा स्टार बना दिया है। अब हम टेप रिमूव कर देंगे। ये मैं टेप रिमूव कर रही हूँ जो मैंने साइड्स पर लगाई थी कॉर्नर्स पे। अब ये हमारी पेंटिंग हो चुकी है रेडी, जिसको मैंने वाटर कलर्स और की मदद से करा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।